वेलकम टू माई किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ मोदक की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही इजी है। आज हम नए तरीके से बहुत ही स्वादिष्ट मोदक बनाने वाले हैं। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर मैंने यहाँ एक पैन लिया है। इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच देसी घी, 1 अब हम डालेंगे 1 कटोरी मैंने यहाँ लिया है चावल का आटा। आप चाहे तो चावल का आटा घर पर भी बना सकते हैं। चावल के आटे को हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनना है एक अच्छी खुशबू आने तक। ये देखिए मैंने यहां 4 से 5 मिनट के लिए इसे भून लिया है। इसमें थोड़ी थोड़ी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ज्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करना है, हल्का हल्का भूनना है हमें। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी कोकोनट पाउडर। आप चाहे तो घर पर अगर आपके पास सूखा कोकोनट है वो भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। मैंने यहाँ मार्केट वाला ही लिया है डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, और डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर की वीडियो आप मेरे चैनल टीना किचन में देख सकते हैं। इसे भी हमने 1/2 मिनट के लिए चला लिया है कोकोनट को डाल के। अब इसमें डालेंगे हम 1/2 कटोरी मिल्क पाउडर। मैंने यहाँ सेम कटोरी का मेजरमेंट रखा है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच मलाई। दो छोटी चम्मच डालना है। जैसे ही हम मिल्क पाउडर इसमें डाल देते हैं, मलाई उसके साथ ही डाल देंगे, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। मिल्क पाउडर जल्दी से पक के बिल्कुल कड़क हो जाता है, चीटा टाइप का हो जाता है, बहुत ही वो खाने में नहीं आता है। इसलिए मिल्क पाउडर जैसे ही डालते हैं उसको सेके नहीं, साथ में ही मलाई डाल दें। थोड़े से मैं डाल रही हूँ यहाँ काजू कटे हुए टुकड़े और थोड़ी इलायची, साथ में 1/2 कटोरी डाल रही हूँ पीसी हुई चीनी। आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे लो फ्लेम पर हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए काफी ड्राई ड्राई लग रहा है, इसमें थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे दूध। दूध हमें बिल्कुल 1-2 चम्मच जितना ही मिक्स करना है ताकि हम जब इसके मोदक बनाएंगे तो अच्छे से बाइंड हो सके, इसलिए डालते हैं। आप चाहें तो मलाई की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें 1 चम्मच दूध और डाल रही हूँ। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसे बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है और खाने में बहुत टेस्टी होते हैं ये। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये देखिए मिक्सचर ठंडा हो गया है। बहुत ज्यादा ठंडा नहीं करना है हमें, हाथ लगाने लायक हो जाए उतना ही ठंडा करेंगे और मोदक का शेप देंगे हम। अगर आप सांचे में बनाना चाहते हैं तो मोदक के सांचे में भी बना सकते हैं।
ये देखिए इस तरह से हम सभी मोदक बना के रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारे मोदक बनकर रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें न्यू और रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।